जीएसटी सुविधा केंद्र में आपका स्वागत है। आज मिस्टर संदीप जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको एक नया लेसन समझाने जा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या नीचे लिखे हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप भी एक जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर प्रति माह 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किसे ये रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किसी भी ट्रांजैक्शन में एक सप्लायर और बायर होते हैं। सप्लायर जब सेल करता है तो सप्लायर की जिम्मेदारी है वो बायर से जीएसटी चार्ज करे। बायर जीएसटी पे करता है सप्लायर को और सप्लायर ये जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को। यहाँ पर सप्लायर सिर्फ मीडियम के तौर पे काम करता है, बायर से जीएसटी लेके गवर्नमेंट तक पहुँचाता है। गवर्नमेंट को जीएसटी इनडायरेक्टली मिलता है, इसीलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। साथ ही जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी फाइनल कंज्यूमर की पॉकेट से जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी बायर है। मिस्टर ए कोई आइटम सप्लाई करते हैं 100 रुपीज़ का और उस पर 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। मिस्टर बी 18 रुपीज़ का जीएसटी पे करते हैं मिस्टर ए को और मिस्टर ए इसे पे करते हैं गवर्नमेंट को। मिस्टर बी रीसेल कर देते हैं वही आइटम किसी कस्टमर को जो है मिस्टर सी 120 रुपीज़ के प्राइस पे और उस पर 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। मिस्टर सी 18% जीएसटी जो होता है 21.6 रुपीज़ पे करते हैं मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी की ये जिम्मेदारी है कि ये जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचाए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर बी फाइनल कंज्यूमर नहीं है और मिस्टर बी ऑलरेडी 18 रुपीज़ का जीएसटी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। तो अब 21.6 रुपीज़ में से 18 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब वो सिर्फ 3.6 रुपीज़ का जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जो टोटल जीएसटी मिला 18 रुपीज़ पहले और अब 3.6 रुपीज़, तो हो जाता है 21.6 रुपीज़। फाइनल कंज्यूमर ने जो जीएसटी पे किया 18% 120 रुपीज़ का, वो भी है 21.6 रुपीज़। मिस्टर बी ने जब परचेज किया था और उस पर जो टैक्स पे किया था 18 रुपीज़ का, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मिस्टर बी को बेनिफिट मिला इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसीलिए क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगला सवाल है, किसे जरूरत है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट दी गई है। जो भी बिजनेस इस एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को क्रॉस करेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये लिमिट गुड्स के लिए अलग दी गई है, जो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए अलग लिमिट है। लेकिन सवाल यह है कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर का यहाँ पर मतलब है पूरे साल में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो टोटल सेल थी सभी बिजनेस की जो सेम पैन नंबर पर हैं, उसको टोटल करने पे जो अमाउंट आएगी उसे कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है और उनके चार बिजनेस हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे चारों अलग अलग बिजनेस है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर के लिए चारों बिजनेस की टोटल सेल को ऐड किया जाएगा। ध्यान रहे यहां पर परचेजेस इंक्लूड नहीं होती है। अगर कोई सप्लायर दूसरी स्टेट में गुड्स सप्लाई करता है, जिसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं, तो वहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर टर्नओवर लिमिट कम है तो भी यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
अगर कोई व्यक्ति जो दोनों केसेस में फॉल नहीं करता है और उसके लिए जीएसटी जरूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से वॉलेंट्री बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगला सवाल यह है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, आधार नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा जिस एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर प्रोप्राइटर ओनर है तो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर वो प्लेस रेंटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ रेंट एग्रीमेंट, या अगर दोनों में से कोई केस नहीं है तो लैंडलॉर्ड की तरफ से कंसेंट लेटर दिया जाएगा, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड, पार्टनरशिप फर्म की डीड, पार्टनरशिप डीड, इसके अलावा पार्टनर्स का पैन कार्ड, आधार नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना होगा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के लिए, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल लैंडलॉर्ड का और रेंट एग्रीमेंट देना होगा। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कंपनी का पैन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सभी डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, आधार नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के लिए, जिस एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल रेंट एग्रीमेंट के साथ। इस वीडियो में हमने सीखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, प्रोप्राइटर के लिए, पार्टनरशिप के लिए और कंपनी के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एनुअल टर्नओवर लिमिट क्या दी गई है और इस लिमिट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जैसा हमने पहले कहा था, आप भी एक जीएसटी सुविधा केंद्र खोल सकते हैं और प्रति माह 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हमारी वेबसाइट नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है।